तो तहसील ऑफिस में लोग जमा हो गए थे, वो एक्चुअली उनको रॉन्ग मैसेज दिया गया है। जो हमारे लेबर ऑफिसर जो है ना, वो कहीं एक 25-50 लोगों को इन्फॉर्म किए कि आज मैं गवर्नमेंट के तरफ फूड किट दे रहा हूँ बोल के उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिए थे, मगर ये तरीका गलत है। मैंने उनको कल भी मैंने बोल दिया था अपने तरफ से, ये ऐसा हम नहीं कर सकते। एक ही दम जिसके पास लेबर कार्ड है वो एट ए टाइम खेर मैदान में सभी को बुला के, हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर को बुला के सभी ला के देंगे। मैंने उनको इंस्ट्रक्शन दिया था, वो तो मेरा इंस्ट्रक्शन का तो पालन न करते हुए अपने आप गलती किए हो, वो जो उन्होंने करे सो गलती की वजह से ये जो सब तरफ अफवाह जाके ये लोग जो इनोसेंट लोग जो है ना, हमारे मत क्षेत्र के इनोसेंट महिलाओं ने इधर आके जमा हो गए। इसलिए जो हमारे लेबर ऑफिसर ने ये गलती की है, मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरे जो विधानसभा मत क्षेत्र की महाजनताओं के लिए। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता, जो भी सरकार से फूड किट जो आ गए, बिल्कुल जाके गांव-गांव जाके घर घर जाके उसको जो देने का काम हम बिल्कुल करेंगे बोल के मैं इतना। कल भी कुछ राशन किट बांटे गए यहाँ पे, जिसकी वजह से आज लोग फिर लोगों को राशन किट मिलेगा को उम्मीद से आ गए थे सर। तो लोगों को जो बुलाने का जो हालांकि थर्ड वेव आने की उम्मीद है सर, तो इसमें अगर कोरोना फैल जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? एक्चुअली वो मैं बोल रहा हूँ ना, वो गलती की है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आइंदा ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल वो जो मैसेज दिए सो आदमी, मैं 2-3 बार फोन भी अगर कर रहे तो वो इधर आए भी नहीं, क्योंकि उनको महसूस हो गया कि मैं गलती किया हूँ बोल। मैं उसको ऑलरेडी मैंने इंस्ट्रक्शन भी दिया हूँ वो गलत करें, इसलिए मैं लोगों को भी कन्विंस किया हूँ। लोग जो मेरे को अंदाज है, मेरे बातों पे ये लोगों को विश्वास है, क्योंकि मैं खुद अपने तरफ से 50 गांव में फूड किट बांटने का काम मैं किया हूँ। गए साल 153 गांव को मैंने फूड किट दिया था और 100 गांव को मैं देने वाला हूँ। इसलिए जो जितने भी लोग इधर, जितने भी महिला मेरे विधानसभा मत क्षेत्र से इधर आए हुए, सबको उनको एक गौरव की तरफ से घर घर जाके फूड किट देने का मैं काम करता हूँ। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। सर ऑफिसर को जो कुछ उसके खिलाफ कुछ एक्शन लेने के 100% मैं DC साहब को अभी बात करता हूँ, मैं 100%।